नमस्कार दोस्तों, पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस फाइकस के ऊपर काम करने जा रहे हैं। ये फाइकस माइक्रो कार्पा है। फाइकस माइक्रो कार्पा लॉन्ग आइलैंड या ग्रीन आइलैंड बोलते हैं इसको। तो आज का वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो इसको मैंने इसको ना काफी इसका साइज बड़ा था, इसकी हाइट ज्यादा थी, तो मैंने इसको नर्सरी से खरीदा था कहीं से। हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है, संगरूर एरिया में। तो वहाँ पे कोई नर्सरी थी, तो उनके पास अच्छे थे, ये पुराने टाइप के पेड़ थे। तो मुझे ये आई थिंक 500-600 में मिल गया था। काफी मेच्योर प्लांट था, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो लोग नर्सरी में जैसे ना उसको टिकोरी के जैसे बना देते हैं गोल सा, और फिर वो बोलते हैं कि ये बोनसाई है। बट फिर भी चलो, उन लोगों ने इसको ऐसा थोड़ा सा डेवलप कर रखा था। तो आगे इसकी मैं रिफाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कई बार ट्रंक चॉप वगैरह किया है, मतलब इसकी ट्रंक चॉप कर दी 2 बार आई थिंक। पहले एक बार किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसको फिर मैंने और भी चॉप कर दिया। बाकी जो भी फालतू की ब्रांचेस थी वो सब निकाल दी। तो उसके बाद इसको ना जो है 1 साल के बाद छेड़ रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि ये अभी इसकी ऐसी ग्रोथ हो गई है तो पता नहीं चल रहा कि ब्रांचेस कौन सी कहाँ पे है, क्या है ना। तो अभी आप देखो इसको एकदम से सब जगह के ऊपर पूरा फोलियज ही फोलियज हो गया है। तो जैसे अपन ब्रांच काटते हैं तो उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस नहीं आती है ना, तो अब ये पूरा एकदम जैसे ग्रोथ ही ग्रोथ है बस, खाली मतलब बहुत सारी ब्रांचेस। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले जो है मैं इसको डिफोलिएट करूंगा, इसके पत्ते हटाऊंगा और जो भी थोड़ी बहुत अनवांटेड ब्रांचेस है वो हटा दूंगा। पूरा डिफोलिएट नहीं करूंगा, जो मुझे ब्रांचेस चाहिए उनके ऊपर लीफ रखूंगा, बाकी देखते हैं फिर जैसा भी करना होगा। तो दोस्तों अभी इसका जो है हम लोग जो फालतू की ग्रोथ है और जो भी फालतू की ब्रांचेस है वो हटाएंगे। तो ये जो नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं बहुत सारी, ये इस तरह की ब्रांचेस नहीं चाहिए मुझे। तो जो नीचे की जैसे इसकी रूट है ना, तो ये वाले प्लांट में क्या होता है, ये अगर आप इसकी ऊपर से कटिंग कर दोगे ना, तो ये नीचे से बहुत ब्रांचेस निकालता है रूट्स के पास में से। ये देखो जैसे ये वाली ब्रांच है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्लांट की सब एनर्जी है वो इसके ऊपर ही लग जाएगी। तो इसलिए ये फालतू की जो ब्रांचेस है जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। अच्छा है, अगर आपको चाहिए वहां पे ब्रांच फिर तो अच्छा ही है, क्योंकि इस पेड़ का ये एक ये बेनिफिट है, अगर बहुत ज्यादा ब्रांच निकालता है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन बचती है। ये हम जो भी फालतू की ब्रांचेस है वो निकाल रहे हैं। तो मैंने इसका वैसे फ्रंट सिलेक्ट किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो पता नहीं लग रहा। और ये भी जरूरी है, ग्रोथ होने देना चाहिए कभी कभी ना पेड़ को, साल में एक आध बार, ताकि जो उसकी एनर्जी है वो पूरी बन जाए। अगर हम उसको एकदम से बार बार काटते ही रहेंगे ना हमेशा, तो प्लांट वीक हो जाता है। तो उसको कई बार आपको छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा ग्रो होने के लिए, कुछ महीने के लिए एकदम छोड़ दो उसको, तो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। अभी थोड़ा सा मेरे को आइडिया आ रहा है, तो ये वाला शायद फ्रंट था इस तरफ से। थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं दिखाना भी चाहता हूँ क्या कर रहे हैं हम। तो इसको डिफोलिएट ही करना पड़ेगा यार, ऐसे पता नहीं लगेगा थोड़ा बहुत।
जो इसकी मेन ब्रांचेस थी वो मैंने एक्चुअली सिलेक्ट कर ली थी पहले, तो अभी थोड़ा सा जो मोटी मोटी जो मेन ब्रांचेस थी वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे शूट्स आ गए नए, तो वो हमें चाहिए नहीं, सब नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो चाहिए ही। कोशिश करता हूँ कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे रखा जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, ये वाला जो है ये मैंने प्राइमरी ब्रांच रखा था, बाकी ये ऊपर ये सामने की ब्रांचेस हैं, तो जो इसके ऊपर फालतू की ग्रोथ है उसको हटा रहा हूँ मैं, जैसे ये जो ऊपर को जा रहा है। ये बीच का एरिया जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जब अगर आप कोई नर्सरी वगैरह में जाओगे ना जो प्रोफेशनली बोनसाई नहीं करते, या जब नए नए लोग सीखते हैं बोनसाई, या मोस्टली नर्सरी वाले जो बोनसाई नहीं होते मतलब प्रोफेशनल, तो वो आपको अगर इसी तरह का बेच देंगे, वो जैसे ना पूरा ऐसे भरा हुआ प्लांट और नीचे से थोड़ा रूट वगैरह दिख रहा होगा, तो वो बोनसाई बोलते हैं लोग। लेकिन बोनसाई में जो पेड़ का स्ट्रक्चर है ना, जो उसका ट्रंक है और ब्रांचेस है, वो सब दिखना चाहिए यार, खाली जो है फोलियज ऐसे गोल शेप का छतरी जैसा बना दिया तो वो बोनसाई नहीं हुआ, तो वो तो टिकोरी जैसा हो गया, जैसे टिकोरी बोलते हैं ना, ऐसे बॉल जैसा बना दिया कोई भी प्लांट का, तो वो बोनसाई ऐसे नहीं होता। बोनसाई में आपका जो है ब्रांचेस भी दिखना चाहिए, ब्रांचेस दिखना ही चाहिए, भी छोड़ो, ब्रांचेस दिखना ही चाहिए, ब्रांचेस और उसका ट्रंक लाइन। तो अभी अपन जो इसके फालतू के शूट्स हैं वो निकाल रहे हैं। तो मैंने वो डिफोलिएट करने वाला भी छोड़ दिया, थोड़ा सा देख रहा हूँ अगर ऐसे काम बन जाए, क्योंकि वो सब ब्रांचेस काहे को काटनी इतनी सारी, सॉरी क्या इतने पत्ते काटने में कई घंटे लग जाते हैं, फिर इसको काटने में एक एक घंटे से ऊपर ही लग जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही चल जाए काम। अगर हाँ आपका बोनसाई एकदम डेवलप हो गया है, 100% फाइन बोनसाई है, तब तो डिफोलिएट ही करना पड़ता है, फिर आप उसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये सब ब्रांचेस आप देख सकते हो ना, ये सब लंबी थी, इसको मैंने सभी को पूरा एकदम काट के पीछे की तरफ कर दिया। कॉम्पैक्ट होना चाहिए ना बोनसाई, बहुत ज्यादा अगर लेगी टाइप की ब्रांचेस होंगी खाली फालतू में इतनी बड़ी बड़ी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, फिर अब हो गया, ऊपर वाला एरिया भी बहुत भरा पड़ा है, देखते हैं क्या हो सकता है। ये वाले प्लांट की एक अच्छी बात भी है और
इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शूट निकलते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो ऐसे एक एक करके फालतू के जो शूट्स हैं वो निकाल देंगे। ये वाली ब्रांच अच्छी ग्रो हो रखी है। और जो एक लेवल के ऊपर ब्रांचेस हैं और एक जगह पे एक ही लेवल के ऊपर हैं और कई बार दो दो तीन तीन निकले हुए हैं तो उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो वहां से रिवर्स टेपर हो जाता है फिर। नहीं शायद इसी जापान वगैरह में या चाइना में बोनसाई वगैरह को ना जेन के साथ रिलेट किया जाता है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है और उसको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है ना, सब बैलेंस और आर्ट भी है उसमें, तो इसीलिए इसको थोड़ा जेन वगैरह के साथ रिलेट किया जाता है। जैसे जैसे मॉन्क वगैरह हो गए, मोनेस्ट्री वगैरह में कल्चर है, जेन मोनेस्ट्रीज में भी होते हैं बोनसाई वगैरह, तो ये सब उसके साथ काफी रिलेट किया जाता है इसको। आई थिंक इसी, क्योंकि इसके ऊपर अब आपको मिलेगा तो इससे कुछ भी नहीं है वैसे, मतलब मटेरियलिस्टिकली अगर आप बिजनेस नहीं करते वैसे तो कुछ नहीं है इसके अंदर तो, लेकिन अगर आप इसको जो है, अगर आपके पास इसका टेस्ट है कहीं, अगर आपको मालूम है कि है ना, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसका अपना ही मजा है और मेडिटेशन टाइप का ही होता है ये भी एक तरह से ना, टाइप ही क्या मेडिटेशन ही है, उसको इतने ध्यान से देखना ऑब्जर्व करना। और जो हमारी बचपन के अंदर एक इमेजिनेशन होती है ना, जो जब बड़े हो जाते हैं तो वो उसको थोड़ा बड़े होते रहते हैं तो उसको मार दिया जाता है, जो हमारी सोसाइटी है या जो भी अपना है ना सिस्टम ऐसा बन गया आजकल की, जो इमेजिनेशन है उसको तो एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती दुनिया, तो क्योंकि और वो भी थोड़ा सा होता है कि अगर आपको यहाँ पे सोसाइटी में रहना है, पैसे कमाओ और वो सब, तो हर चीज को मतलब मटेरियलिस्टिकली देखा जाता है कि इससे आपको कितना पैसा मिलेगा है ना, और इसका फ्यूचर क्या है फलाना दिमाग का, तो और कई बार लोगों का इंटरेस्ट होता है चीजों में तो उसको जो है खत्म कर दिया जाता है। तो बोनसाई में एक अच्छी चीज है कि आपको जो है इमेजिनेशन जो आपकी है, जिन लोगों को मतलब नेचर वगैरह और उस तरह की इमेजिनेशन है और जो इमेजिन कर सकते हैं वो सब चीजों को ना, जैसे ये भी एक तरह से इमेजिनेशन ही होती है थोड़ा सा, अगर आप बोनसाई को अच्छे से समझना भी चाहते हो या देखना भी चाहते हो तो वो जो पर्सपेक्टिव है हर एक आदमी के पास नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को तो आप रख दो जितना भी अच्छी क्वालिटी का बोनसाई, उनको पता ही नहीं लगेगा, वो बस वहां से गुजर जाएंगे। तो जिनमें होती है थोड़ी बहुत बची इमेजिनेशन वो समझ, उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है ये, हर आदमी नहीं होता लेकिन फिर भी
तो ये वाली है चीज। और कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है बोनसाई क्रूअल क्रूअलिटी है इसमें, तो यार क्रूअलिटी वगैरह ऐसा तो मैं मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, कभी ऐसा लगा नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग अपना जो भी पेड़ है या बोनसाई है उसको बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं उसको। कटिंग वगैरह करनी पड़ती है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उससे जो पेड़ की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और उसको मतलब उतना अच्छा बनाया जाता है कि जो देखने वाले लोग होते हैं उसको अप्रिशिएट करें। और बहुत सारी मैं अपनी पर्सनल वो बताता हूँ, जब मैं बोनसाई नहीं करता था मतलब मुझे एकदम ही कोई पता ही नहीं था इस चीज के बारे में, तब मुझे प्लांट्स वगैरह का भी कोई वो नहीं था शौक, मुझे पता है मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं था यार। मैं भी ऐसे ही बस निकल जाता था पास में से, कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता था। लेकिन जब बोनसाई स्टार्ट किया या तो पता लगा, मैंने कहीं पे एग्जीबिशन में एक पेड़ देख लिया था ऐसे ही फाइकस का, यही वैरायटी का ही था, और वो देख के मुझे मतलब एकदम, गुड़गांव में था कोई फ्लावर शो तो वहां पे था कोई पेड़, तो मैं एकदम से वो हो गया था कि यार ये क्या चीज है। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि हम लोग भी उसको कर सकते हैं, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद जो पेड़ को अब मैं देखता हूँ तो उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ बहुत अलग ही तरीके से, जो शायद मैं पहले बिल्कुल भी नहीं कर पाता था या मेरे को मालूम ही नहीं था। तो इसलिए जो लोग बोनसाई करते हैं तो वो पेड़ों से भी उतना ही प्रेम होता है आदमी का, मतलब अगर कमर्शियली अगर कुछ आपके वो भी इन्वॉल्व है उसमें, क्या बोलते हैं, अगर आपका कुछ उसके अंदर मोटिव है फाइनेंशियली, तब बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं ना पैसे के लिए खाली, उनका उसके अंदर वो नहीं होता इन्वॉल्वमेंट, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन ज्यादातर लोगों को मतलब वो सब के अंदर वो चीज होती है कि वो अप्रिशिएट भी कर पाते हैं इस चीज को। और ऐसे बड़ा मुश्किल है, अगर आपको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते नेचर को तो आपका वो पर्सपेक्टिव ही नहीं हो सकता, और आप बोनसाई बना भी नहीं सकते और है ना कुछ उसके ऊपर ज्यादा कर भी नहीं सकते, तो ये एक और भी चीज है। तो इससे हम धीरे धीरे जो है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको भी हटा रहा हूं मैं। ऊपर कैनेपी इसकी ऑलमोस्ट बनी गई है, तो अब मैं इसको बस इम्प्रूव करूंगा फ्यूचर में और जो भी है। चलो इसका कैनेपी तो बना, बाकी जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे होगा। कैनेपी बनाने के बाद भी थोड़ा बहुत ना बीच में से जो फालतू की ब्रांचेज है वो हटानी पड़ती है, नहीं तो अगर एकदम डेंस हो जाएगी तो तब भी वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। तो ये भी जो यहाँ पे फालतू की ग्रोथ है उसको भी मैं हटा दूंगा, पत्ते वगैरह भी कुछ हटाने पड़ते हैं। अच्छा होता है कि एक ही ब्रांच में से बहुत सारे निकले हों तो अच्छी अच्छा लगता है पेड़, बहुत सारी ज्यादा ब्रांचेस से भी भर जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, बैलेंस ही होना चाहिए यार सब चीज का। अभी यहाँ पे सही है, ऊपर वाला एरिया अच्छा हो गया है, तो हमने जो फालतू की ब्रांचेस थी वो हटा दी हैं।
अगर नेचर में भी अपन पेड़ देखेंगे ना, तो उसके नीचे तो उसकी ब्रांचेस दिखेंगी आपको, तो ब्रांचेस भी दिखते हैं और फोलियज भी दिखती है, तो वो चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अभी थोड़ा सा दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ताकि जो मैं इसका डिजाइन सोच रहा था आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसके एक्चुअली कई सारे फ्रंट हो सकते हैं, तो ये वाला है इसके लिए। थोड़े से इसके ब्रांचेस, ये नॉब वगैरह हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे। छिपकली सी, छिपकली गिर गई मेरे ऊपर, इसलिए थोड़ा सा। तो दोस्तों इसका जो है हो गया अभी काम, थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ। इसकी रूट्स है यार, ये देख लो यहाँ से। अभी इसका ना जो मैंने इसके रूट्स की बहुत ज्यादा सेटिंग नहीं कर रखी, जैसे ये वाली रूट है ना, तो ये यहाँ से ये मुझे निकालनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो पहले एक बार रूट्स दिखाता हूँ इसकी। स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं बहुत काफी, ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ से सब निकले हुए थे मोटी मोटी ब्रांचेस, तो वो चाहिए नहीं थी इसके बीच में डिजाइन में, तो इसलिए उनको जो है मैंने निकाल दिया था। रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी पेड़ की, और ये सब एरियल रूट्स हैं, तो ये इसके साथ ही थी, पुरानी है, तो ये अच्छी भी है। मतलब ऐसे बीच में ज्यादा आ नहीं रही, अगर कोई क्रॉसिंग बहुत ज्यादा होती तो मैं शायद निकाल देता उनको, जो थी वो मैंने निकाल ही दी है वैसे ऑलरेडी बहुत सारी।
तो ये वाला इसका जो है ये वाला मैंने जो है इसका फ्रंट सोच रखा है। ये जो अभी ब्रांच आ रही है ना, ये देखो इसको थोड़ा ऊपर सेंड करेंगे बाद में। ये आपको थोड़ा सा और पीछे से दिखाता हूँ, है ना। तो ये इसका फ्रंट होगा, अभी फिलहाल तो यही अच्छा लग रहा है। कई फ्रंट हो सकते हैं, ये भी ठीक है, बट वो मतलब सबसे बेस्ट मेरे को वो लगा था। तो ये है, यहाँ से जो इसकी मेन ट्रंक है वो नहीं दिख रही, यहाँ से भी नहीं दिख रही। और रूट्स के जो बेस है उसके हिसाब से मोस्टली जो मैं मुझे अच्छा लगता है चूज करना, तो मैं बेस देखता हूँ जहाँ से अच्छा बेस अच्छी दिख रही हो, रूट्स वगैरह का सब तरीके से दिख रही हो आपको, सब साइड में रूट जो है ग्राउंड के अंदर घुस रही हो, तो वो जो है वो वाला फ्रंट सबसे अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि नीचे से ही बोनसाई की जो मेन जो ब्यूटी होती है वो जो उसका बेस होता है ना, जैसे वो जमीन के अंदर जड़ें घुसती हैं और फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो चीज सबसे ज्यादा उसकी खूबसूरत होती है, तो वो दिखनी जरूरी है। तो ये वाली जो ब्रांच है, ये कोई कोई लोग इसको आई पोकिंग ब्रांच ये सब भी बोलते हैं, हटा भी देते हैं कोई लोग, लेकिन मुझे ये चाहिए ब्रांच, क्योंकि मुझे फ्रंट आगे की तरफ इसके ये वाला एरिया जो है यहाँ पे शेड जैसा चाहिए। तो मैं इसको ये वाली ब्रांच को ना थोड़ा वायर करके और इसको ऊपर की तरफ निकालूंगा, इसकी ब्रांचेस सब। तो इतना ही चाहिए हमें, ये एरिया दिखना चाहिए और ये ब्रांचेस। तो जैसे हटा लूंगा, है ना। तो ये जो है हमारा फ्रंट होगा। आई थिंक इसको अभी नेक्स्ट ईयर में काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा ये, और दो दो साल में बोनसाई पॉट में इसको डाल दूंगा मैं शायद, जब फिर इसका एक बार और नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा सीजन ग्रोइंग और सर्दी चली जाएगी, तो इसको निकाल के ना यहाँ से इसकी जो रूट्स वगैरह है उसकी सेटिंग करूंगा। तो अभी फिलहाल इसको हम जो है, ये अगर आप देखोगे ये सब ब्रांचेस थी इसकी, यहाँ से ये वाली भी थी, बहुत मोटी मोटी ब्रांचेस हैं और ये सीधा ऊपर को ग्रो कर रहा था सब, ये सब भी पहले से ही ब्रांचेस हैं ये वाली। तो इसको मैंने मतलब कट बैक कर दिया ताकि ये पेड़ जो है कॉम्पैक्ट हो सके, है ना। अभी जो ये ब्रांचेस है इसको थोड़ा सा ग्रो होके और मोटा होने देंगे, और फिर वहां से उसको चॉप करेंगे, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसे यार थोड़ा वो करना पड़ता है जो है ना, जैसे यहाँ से ट्रेन करते हैं एक, ये आपकी जैसे मेन ट्रंक है वहां से एक ब्रांच निकली हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे ही हर एक ब्रांच में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उसमें से दो ब्रांचेस फिर ऊपर उसमें से, तो ऐसे पैड बनता है, तो वो रिफाइन होती है ब्रांच और उसमें टाइम भी लगता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर टॉपिक, वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।